दोस्तों, हमारी पृथ्वी पर जमीन से ज्यादा पानी है, बावजूद इसके हमें हमेशा से ही पानी की किल्लत झेलनी पड़ती है। आप में से बहुत लोग इसका जवाब भी जानते होंगे कि आखिर ऐसा है क्यों। साफ सी बात है, हमारे पृथ्वी पर यूं तो पानी बहुत है, लेकिन पीने का पानी यानी कि फ्रेश वाटर के पानी में बहुत ज्यादा कमी है। शायद आपको जानकर थोड़ा सा झटका भी लगे, क्योंकि हमारे पूरे वर्ल्ड में पानी की जितनी भी नीड है उनमें से मात्र 3% ही पानी है जो फ्रेश वाटर की कैटेगरी में काउंट होता है। आपकी जानकारी के लिए बता दे, ये 3% पानी दुनिया में बराबर बटा भी नहीं हुआ है। इस दुनिया में बहुत सारे देश तो ऐसे हैं जहां पानी के लिए लोग एक दूसरे का मर्डर तक कर देते हैं। वैसे तो ऐसे बहुत से देश हैं, लेकिन ऐसी सिचुएशन का अच्छा खासा एग्जाम्पल है गल्फ कंट्री और अफ्रीकी देश। ये वो इलाका है दोस्तों, और उसकी बंजर जमीन दिन भर तो ये सूरज की तेज किरणों से तपता रहता है। खैर, आज की हमारी ये वीडियो भी इसी के ऊपर है, और यकीन मानिए ये है बड़ी दिलचस्प। जानते हैं क्यों? क्योंकि दोस्तों, आज हम आपको ऐसे देश के बारे में बताने वाले हैं जहां दुनिया की सबसे पहली मैन मेड रिवर बन रही है। आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर इस बंजर जगहों पर रिवर कैसे बन सकती है। ज्यादा सोचिए मत और इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, यकीन कीजिए आप हैरान रह जाएंगे। तो वीडियो को शुरू करें उससे पहले वीडियो को लाइक और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। तो बिना बातों को और गोल गोल घुमाए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, लीबिया एक ऐसा देश है जहां अभी कुछ साल पहले तक जंग जैसी स्थिति थी। ये एक ऐसा देश था जो अपने डिक्टेटर मामार गद्दाफी की वजह से जाना जाता था। आपको भी लग रहा होगा कि आज तो हम पानी के बारे में बात कर रहे हैं, तो फिर ये देश क्यों? तो दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दे, लीबिया एक ऐसा देश है जो एक दो नहीं बल्कि 90% तक रेत और बालू से ढका हुआ है। आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन इस देश में कुछ जगह तो ऐसी है जहां कई सालों तक बारिश की एक बूंद देखने को भी नहीं मिली। दोस्तों, आपको तो पता ही होगा कि 1960 के आसपास वाले सालों में लोग क्रूड ऑयल के पीछे जैसे पागल हो गए थे। अब पूरा वर्ल्ड तेल के पीछे पागल था, तो लीबिया जैसा देश पीछे क्यों रहता? इसलिए लीबिया देश ने भी खुदाई शुरू की। अब उनके हाथ तेल का कोई भंडार तो नहीं लगा, लेकिन उनके हाथ कुछ ऐसा लगा जिसने सबको चौंका कर रख दिया। लीबिया के हाथ लगा फ्रेश वाटर का अच्छा खासा रिसोर्स। आपकी जानकारी के लिए बता दे कि ये ईस्ट सहारा डेजर्ट का सबसे बड़ा फ्रेश वाटर रिसोर्स माना जाता है। ये एक ऐसा फ्रेश वाटर रिसोर्स है जो कि एक दो नहीं बल्कि 4 नॉर्थ ईस्टर्न अफ्रीकन देशों के बॉर्डर से लगा हुआ है। अब इस फ्रेश वाटर रिसोर्स में कितना पानी है इसके बारे में तो कुछ नहीं कहा जा सकता। अब इतना बड़ा प्रोजेक्ट 60 के दशक में मिल तो गया, लेकिन उसका किया क्या जाए किसी को पता नहीं था। यही वजह थी दोस्तों कि 80 का दशक आते आते वहां के डिक्टेटर गद्दाफी ने इस फ्रेश वाटर रिसोर्स का यूज करके दुनिया की सबसे पहली अंडरग्राउंड वाटर प्रोजेक्ट शुरू की। इस प्रोजेक्ट के तहत पानी को यानी कि फ्रेश वाटर को लीबिया के उत्तरी शहर में भेजना था। यही नहीं दोस्तों, इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए सबसे मुश्किल काम यही था कि उस फ्रेश वाटर के रिसोर्स से एक लंबे वाटर पाइपलाइन को देश के उत्तरी दिशा में या फिर देश के उस हिस्से तक बिछाया जाए जहां तक इस फ्रेश वाटर की सप्लाई होनी थी। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किसी टनल की तरह दिखने वाले करीब करीब 30 फीट के डायमीटर वाले पाइप को एक साथ इस तरह से लाया जाता था। दोस्तों, यहां पर लीबिया का साथ दिया कोरिया देश ने। जानते हैं क्यों? क्योंकि कोरिया वो देश था जो इन्हें मदद कर रहा था हर उस चीज की जो लीबिया को उस वक्त जरूरत थी। ये एक्सपोर्ट का काम चलाता था कोरिया के बंदरगाह से लीबिया के बंदरगाह तक, उसके बाद लीबिया से ट्रक में इसे लादकर ले जाया जाता था उस जगह पर जहां पर काम चल रहा होता था। दोस्तों, आपको क्या लगता है इतने बड़े प्रोजेक्ट में कितना खर्च आया होगा? सोचिए सोचिए फिर बताइए। आपकी जानकारी के लिए बता दे, इस प्रोजेक्ट में टोटल खर्च आया था $25 मिलियन का। इन सब के साथ सबसे हैरानी और चौंकाने वाली बात ये भी थी कि लीबिया जैसे देश ने ये प्रोजेक्ट खत्म किया, वो भी बिना किसी बड़े देश की सहायता से। और तो और, दूसरे देश तो छोड़िए, लीबिया ने वर्ल्ड बैंक तक से लोन नहीं लिया। अब भले ही लीबिया की मदद पैसे द्वारा नहीं की गई थी या फिर उसने किसी से मदद नहीं मांगी, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दे, इस प्रोजेक्ट में काम कर रहे जितने भी टेक्नीशियन और इंजीनियरिंग की ट्रेनिंग को लेकर 1990 में लीबिया की मदद यूनेस्को ने की थी और इंजीनियरिंग को हाई क्लास ट्रेनिंग दी थी,
यही वजह थी कि लीबिया ने सोचा कि इस प्रोजेक्ट को बिल्कुल टाइम पर खत्म करेंगे। और ऐसा सिर्फ लीबिया ने सोचा नहीं बल्कि करके भी दिखाया। इतना ही नहीं दोस्तों, यहाँ पर लीबिया ने अपना दिमाग लगाते हुए इस प्रोजेक्ट में 1 बिलियन यूरो का खर्चा और किया और एक साथ 50,000 पाम ट्री लगाए गए। ऐसा लीबिया वालों ने इसलिए किया क्योंकि पानी का कंडेंसेशन होता रहे। सोचिए, एक ऐसा देश जो ना तो भारत की तरह विकसित है और ना ही ज्यादा पढ़ा लिखा हुआ है, बावजूद इसके लीबिया ने कुछ ऐसा कर दिखाया जो हमें सच में सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर हमारे यहाँ कमी है तो है कहाँ। वैसे आप इस बारे में क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही बने रहिए वीडियो के एंड तक। वही दोस्तों, बात अगर फुल प्रोसेस की करें तो उससे पहले आपको जान लेना चाहिए कि उस वक्त इस मैन मेड रिवर का क्रेज बिल्कुल ही अलग था और इसलिए वो इस रिवर का एक पार्ट बनना चाहते थे, जो कहीं आगे जाकर बने भी, कि मात्र पाइप को जमीन के अंदर फिट करने के लिए जमीन के अंदर करीब 20 फीट गहरी खुदाई की, और सिर्फ 20 फीट गहरी नहीं बल्कि 750 मील लंबी खुदाई की गई। इस खुदाई के बारे में वहां के लोग कहते हैं कि इस खुदाई के वक्त एक दो नहीं बल्कि 3 मिलियन क्यूबिक पत्थरों को हटाया गया। अब आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि ये खुदाई गहरी और मुश्किल कितनी रही होगी। आप अगर ध्यान से इस बारे में सोचेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये इस पूरे प्रोसेस का सबसे इम्पोर्टेंट और मुश्किल फेज है, जिसमें प्रॉब्लम भी ज्यादा और काम तो है ही ज्यादा। बस देरी थी तो पाइप बिछाने की, क्योंकि उसके बाद तो पाइप के जरिए सिर्फ पानी को घर घर पहुँचाना था। इस फ्रेश वाटर रिसोर्स के प्रोजेक्ट से ये कन्फर्म हुआ कि लीबिया के करीब 45 लाख जनता को 230 मिलियन क्यूबिक फीट पानी, वो भी फ्रेश प्रोवाइडेड कराया जाएगा। इस फ्रेश वाटर पानी में सबसे ज्यादा पानी 70% हिस्सा खेती को दिया गया था। यहाँ पर लीबिया ने जैसा सोचा था ठीक बिल्कुल वैसा ही हुआ। इस प्रोजेक्ट के बाद लीबिया के एग्रीकल्चर में तेजी आई। इसी प्रोजेक्ट की वजह से आज लीबिया में अच्छी खासी मात्रा में गेहूं, सब्जियां, खट्टे फल उगाए जाते हैं। अब आप खुद सोचिए, लीबिया जैसे शहर में इतनी अच्छी ग्रोथ हो पाना लगभग असंभव था, बावजूद इसके लीबिया ने कर दिखाया। हम ऐसा बोल क्यों रहे हैं, उम्मीद है आपको पता होगा। जी हाँ दोस्तों, इसलिए क्योंकि लीबिया जैसा शहर आतंकवाद और तंबाकू के लिए काफी फेमस जो है। लेकिन यहाँ पर स्पेशल थैंक्स मिलना चाहिए गद्दाफी को, क्योंकि डिक्टेटर अगर ऐसा हो तब तो डिक्टेटरशिप होनी चाहिए। उसने आम लोगों की आवाज सुनी, प्रॉब्लम को समझा, देश के हालत देखे और तब जाकर इस प्रोजेक्ट को न सिर्फ शुरू किया बल्कि टाइम पर खत्म भी किया, वो भी बिना किसी दूसरे देश की मदद से। आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जो गद्दाफी को एक बहुत ही कठोर डिक्टेटरशिप के रूप में देखते होंगे और कुछ पॉलिटिकल लीडर के रूप में। आप इस प्रोजेक्ट के बाद गद्दाफी को किस रूप में देखते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खैर, अभी इस प्रोजेक्ट को शुरू हुए कुछ ही दिन हुए थे और अभी लीबिया में थोड़ी बहुत शांति थी कि 2011 में लीबिया के अंदर गृह युद्ध छिड़ गया। अब चूंकि इस लड़ाई में यूरोप भी शामिल था, जिसके वजह से नाटो देशों ने मिलकर लीबिया पर जोरदार हमला कर दिया। ऐसा माना जाता है कि इस लड़ाई के दौरान लीबिया के फ्रेश वाटर रिसोर्स के 2 प्लांट तहस नहस हो गए। साथ ही इस जंग में गद्दाफी की भी जान चली गई। इसके बाद बाकी के बचे इंफ्रास्ट्रक्चर पर किसी ने उतना ध्यान नहीं दिया। इस ध्यान न देने की वजह से वहां बनाए गए 500 कुओं में से 100 कुएं बर्बाद हो गए। इसके बाद अभी 2 साल पहले यानी कि 2020 में उस जगह को आर्मी द्वारा सीज कर दिया गया। अब इसको सीज करने से हुआ ये कि एक बार फिर से दबी हुई परेशानी खुलकर सामने आ गई। फिर से लीबिया की राजधानी में रहने वाले लोगों को पानी की किल्लत हो गई। आपको जानकारी के लिए बता दे दोस्तों कि आज भी लीबिया में ये मैन मेड रिवर लोगों की परेशानी दूर करने में मदद करती है। आप खुद मान सकते हैं दोस्तों कि ये सॉल्यूशन लीबिया के लोगों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। आपको नहीं लगता इस मामले में भारत को लीबिया से कुछ सीखना चाहिए? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वैसे क्या आपको इस मैन मेड रिवर के बारे में पहले से पता था? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। उम्मीद करते हैं आज की हमारी इस वीडियो से सीखा है, तो बिना वीडियो को लाइक किए और अपने दोस्तों के साथ बिना शेयर किए कहीं जाइएगा मत। और भी ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के लिए फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले।